छत्तीसगढ़ में सरकार ने छपा को न केवल टैक्स फ्री किया है बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं के साथ सिनेमाघर में जाकर फिल्म भी देखी। जवाब में बीजेपी ने तानहाजी फिल्म देखने की रणनीति तैयार की है। बता दें कि दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाकर प्रोटेस्ट को समर्थन दिए जाने के बाद से बीजेपी ने छपाक का बहिष्कार किए जाने की अपील की थी। इस अपील के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री किया था। फिल्म तानहाजी देखे जाने के पीछे के सियासी कारणों पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि राजनीतिक कारणों से जब छपाक जैसी फिल्म को टैक्स फ्री किया जा सकता है तो फिर लोगों में राष्ट्रीयता जगाने वाली फिल्म तानहाजी को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को छपाक फिल्म दिखाई थी और इसके जवाब में आज तमाम बीजेपी के नेता तानाजी मूवी देखने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या ये छपाक के जवाब में तानाजी बीजेपी देख रही है? छपाक के जवाब में नहीं है कि हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ जहां आप छपाक जैसी फिल्म को राजनीतिक कारणों से अगर टैक्स मुक्त कर सकते हैं तो तानाजी जैसी फिल्म जो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना जागृत करती है, उसको आप प्रमोट क्यों नहीं करते हैं, उसको आप क्यों टैक्स फ्री नहीं करते? तानाजी को टैक्स फ्री करने की मांग भी बीजेपी कर रही है। हम तो सरकार के जमीर को जागृत करने के लिए जा रहे हैं, बाकी सरकार को सोचना है, उनके विवेक को सोचना है और जनता इसका निर्णय करेगी। तो जिस तरीके से बीजेपी ने ये मांग की है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने छपाक को टैक्स फ्री किया है, अब तानाजी को भी टैक्स फ्री कर दिया जाए। कैमरामैन रेखराम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।